ज़ॉम्बीज़ मूवी में जब तक अतड़िया ना निकले, जब तक बाल्टी भर के खून ना निकले, तब तक वो किकी नहीं मिलती है जो मिलना चाहिए। तो ऐसी 7 ब्रूटल ज़ॉम्बीज़ मूवी जिनको आपकी वॉच लिस्ट में होना मस्ट है। तो बिना कोई देरी करते हुए इस लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। नंबर 7 की मूवी है ब्लड क्वांटम। ये कुछ आती है 5.6 रेटिंग के साथ। इसमें एक शहर में एक जेड नाम का वायरस फैल चुका है और ये वायरस की खासियत है ये हर चीज को इफेक्ट कर देता है जो भी लिविंग थिंग होती है, चाहे वो इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे मछली हो, जो भी हो। और ये वायरस से बहुत कम लोग सर्वाइव कर पाए हैं और ये सर्वाइव करने वाले लोग एक बंकर बना के रहते हैं। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है जो बोलती है मैं वायरस से अफेक्टेड नहीं हूँ। ये लोग वो लड़की को सही मान के अपने पास रख लेते हैं और फिर वो अचानक से वो ज़ॉम्बीज़ में बदलना स्टार्ट हो जाती है। फिर उसके बाद ये ज़ॉम्बीज़ उन लोग के साथ क्या क्या करने वाली है, क्या ये जो बंकर में रह रहे लोग सरवाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये मूवी में आपको कमाल का जंप स्केल देखने मिलेगा और कमाल के ज़ॉम्बीज देखने मिलेंगे और जो सिचुएशन इसमें क्रिएट की गई है के लिए एकदम वर्थ इट है। तो डेफिनेटली इस मूवी को आप जरूर वॉच करिएगा। ये आपको MX प्लेयर पे फ्री में देखने के लिए मिल जाएगी। ये कुछ 1.5 घंटे की मूवी है, जरा भी टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको सीधा वही दिखा देती है जो आप देखने आए हो, ज़ॉम्बीज। तो डेफिनेटली इसको वॉच जरूर करेगा। ये मूवी 2019 की है। नंबर 6 की मूवी है क्वारंटाइन। ये कुछ आती है 5.9 रेटिंग के साथ। इसमें हमें दिखाया गया कि एक फायर फाइटर का क्रू और एक कैमरामैन और एक रिपोर्टर और कुछ लोग एक अपार्टमेंट में फंस चुके हैं और वो अपार्टमेंट घिरा हुआ है पूरे ज़ॉम्बीज से। मतलब वहां पर वो अकेले है और पूरे ज़ॉम्बीज अपार्टमेंट से भरा हुआ है और डू और डाई वाली सिचुएशन हो गई इनके लिए। अब ये लोग सरवाइव कैसे करने वाले हैं आपको ये मूवी देख के जानना पड़ेगा। ये मूवी पूरी 1 नाइट चलती है, पूरी रात का समय और ऊपर से ये अपार्टमेंट पूरा ज़ॉम्बीज से भरा हुआ है। ये मूवी के जंप स्केल आपकी एकदम ब्रेथ होल्ड करने वाली सिचुएशन कर देंगे। तो डेफिनेटली ये मूवी को जरूर वॉच करेगा। ये आपको एप्पल टीवी पे देखने के लिए मिल जाएगी। ये 2008 की मूवी है, हॉरर थ्रिलर है। इसमें एक से एक ज़ॉम्बीज देखने मिलेंगे अलग अलग टाइप का और जो सिचुएशन बिल्ड करने की कोशिश की गई इसमें वो एकदम वर्थ इट। तो डेफिनेटली ये मूवी को आप जरूर देखिएगा। नंबर 5 की मूवी है डॉग हाउस। ये कुछ आती है 6 की रेटिंग के साथ। इसमें हमें 7 दोस्तों की कहानी दिखाई जाती है जो एक रिमोटली विलेज में जाते हैं अपनी एक दोस्त का डिवोर्स करवाने के लिए कि वो आगे मूव ऑन कर सके। और तभी वो लोग 7 दोस्त लोग वो विलेज में पहुंच जाते हैं और वहां देखते हैं कि वहां की सब औरतें ज़ॉम्बीज बन चुकी है। अब ये 7 लोग के लिए बचना एकदम नामुमकिन है। वो विलेज से इन लोग को सर्वाइव करके निकलना भी है लेकिन वहां पर एक से एक ज़ॉम्बीज भरे हुए। क्या ये बच के निकल पाएंगे कि नहीं, आपको ये मूवी देख के जानना पड़ेगा। ये मूवी में कमाल का थ्रिलर और कमाल की कॉमेडी और कमाल का हॉरर देखने मिलेगा और जो ज़ॉम्बीज दिखाए गए इसमें एकदम ब्रूटली ज़ॉम्बीज है। ये मूवी आपको वेगा मूवीज पे देखने के लिए मिल जाएगी। नंबर 4 की मूवी है ब्लड रेड स्काई। ये कुछ आती है 6 की रेटिंग के साथ। इसमें हमें दिखाया गया एक प्लेन एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा होता है। तभी प्लेन को एक हाईजैक कर लेते हैं टेररिस्ट लोग और अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। लेकिन ये टेररिस्ट इस बात से अनजान है कि इस प्लेन पे एक ज़ॉम्बी है और वो ज़ॉम्बीज इनको एकदम चुन चुन के मारने वाला है और ये इस बात से ये लोग एकदम अनजान है। अब इन लोग के साथ आगे क्या होने वाला है, क्या ये ज़ॉम्बी इन सबको मारेगा या प्लेन पे बाकी सब पैसेंजर को भी मारेगा, आपको ये मूवी देख के जानना पड़ेगा। ये मूवी को बहुत लोग वैम्पायर मूवी कर रहे थे लेकिन ये मूवी मेरे लिए डेफिनेटली ज़ॉम्बी मूवी कैटेगरी में ही आएगी क्योंकि इसमें जो बिल्डअप किया गया जो दिखाया गया वो एकदम ज़ॉम्बी कैटेगरी में फॉल करता है। तो डेफिनेटली इस मूवी को जरूर वॉच करेगा। ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पे अच्छी डबिंग में देखने के लिए मिल जाएगी। नंबर 3 की मूवी है कार्गो। ये कुछ आती है 6.3 रेटिंग के साथ। इसमें हमें पोस्ट अपोकैलिप्स की दुनिया दिखाई जाती है जहां पर एक ज़ॉम्बी का एक वायरस फैल चुका है और यहां पर एंडी और की दिखाए जाते हैं जो एक मैरिड कपल होते हैं और उनकी एक बेटी होती है। तभी उसमें से की एक ज़ॉम्बी बन जाती है और एंडी को ये बोलती है कि हमारी डॉटर किसी भी हाल में बचनी चाहिए और एंडी उसको बचाने के लिए निकल जाता है और तभी रास्ते में एंडी को एक ज़ॉम्बी काट लेता है। अब एंडी के पास 48 आवर्स है अपनी बेटी को किसी ऐसे हाथ में दे देना जो उसको संभाल सके उसके ज़ॉम्बीज बनने से पहले। अब वो निकल जाता है अपनी डॉटर को एक सही सलामत हाथों में देने के लिए और उस बीच एंडी के साथ क्या क्या होने वाला है और क्या क्या सिचुएशन बनने वाली है एंडी के लिए आपको ये मूवी देख के जानना पड़ेगा। मूवी एक तरह के ज़ॉम्बी अपोकैलिप्स पे बेस्ड है लेकिन डेफिनेटली ये मूवी एक इमोशनल राइड बन जाती है ज़ॉम्बी अपोकैलिप्स से ज्यादा और इसमें ज़ॉम्बीज वाले सीन भी मिल जाएंगे आपको अच्छे खासे। तो डेफिनेटली ये मूवी को आप जरूर देखिएगा, इसको मिस आउट मत करिएगा। ये मूवी कुछ 1 आवर 45 मिनट्स की लेकिन अपना टाइम जरा भी वेस्ट नहीं करती, कहीं भी अप डाउन नहीं होती, मूवी एकदम स्ट्रेट लाइन फॉरवर्ड चलते रहती है। 2017 की मूवी है। ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पे अच्छी डबिंग के साथ देखने के लिए मिल जाएगी। तो डेफिनेटली ये मूवी को जरूर वॉच करिए। नंबर 2 की मूवी है ओवरलोड। ये कुछ आते हैं 6.6 रेटिंग के साथ। इसमें वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम चल रहा होता है जहां पर अमेरिकन सोल्जर की प्लेन पे अटैक हो जाता है और वो लोग एक ऐसे विलेज में पहुंचते हैं जहां पर बहुत सारी गलत गलत चीजें चल रही है और वो विलेज कंट्रोल कर रहा है जर्मन सोल्जर लोग और वहां पर उनको पता चलता है कि यहां पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है लोगों को उठा उठा के, मतलब एक इंजेक्शन इंजेक्ट किया जाता है और उसके बाद वो लोग आदमी लोग अलग ज़ॉम्बीज बन जाते हैं।
मतलब वो इम्यून हो जाते हैं, ना उनको कोई मार सकता है ना उनको कोई काट सकता है। अगर वो लोग मर भी गए वापस से जिंदा हो सकते हैं। अभी अमेरिकन सोल्जर की टुकड़ी वहां पे क्या करने वाली, क्या ये बच के निकल पाएगी कि नहीं निकल पाएगी इस जर्मन विलेज से, आपको ये मूवी देख के जानना पड़ेगा। ये मूवी में इतने ब्रूटल ब्रूटल सीन है कि आपकी नजर एकदम हट जाएगी स्क्रीन से, लेकिन डेफिनेटली ये आपके लिए वर्थ इट है, इसको जरूर आप देखिएगा। और इसमें जो जंप स्केल और जो सिचुएशन दिखाई गई है, और इसमें एकदम एक तरफा लड़ाई नहीं चल रही होती ज़ॉम्बी की तरफ से, इसमें कुछ वॉर सीक्वेंस भी है जो आपको देखने में मजा आएगा। ये मूवी आपको अमेज़न प्राइम पे देखने के लिए मिल जाएगी। नंबर 1 की मूवी है प्लेनेट टेरर। ये कुछ आती 7 की रेटिंग के साथ। भाई ये मूवी ने तो भाई ब्रूटेलिटी की हदों को एकदम पार करके रख दिया। ऐसे ऐसे ब्रूटल सीन्स तो मैंने आज तक नहीं देखे। इसमें गवर्नमेंट एक एक्सपेरिमेंट कर रही होती है और वो एक चेंबर से गैस रिलीज कर देती है जो एकदम पूरे शहर में फैल जाती है। ये गैस इंसानों को एकदम फ्लैश हिटिंग ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट कर देती है, और वहां पर कुछ ग्रुप ऑफ सर्वाइवर बच जाते हैं जिनको लड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये लोग अगर नहीं लड़ते तो ये लोग मारे जाएंगे या तो इस ज़ॉम्बीज का खाना बन जाएंगे। अब ये ग्रुप लड़ने के लिए लग जाता है और ये मिलिट्री से भी निपटने के लिए तैयार है। अब आगे इनके साथ क्या होने वाला है आपको ये मूवी देख के जाननी पड़ेगी। ये एक टाइप की एक्शन ज़ॉम्बी फिल्म है। ये 2007 की मूवी है तो डेफिनेटली इसको वॉच जरूर करेगा। ये हद ब्रूटल मूवी है, इससे ब्रूटल ज़ॉम्बी मूवी मैंने आज तक नहीं देखी, और इसकी रेटिंग भी बहुत ज्यादा ही अच्छी है। इसमें एक से बड़े बड़े स्टार आपको देखने के लिए मिल जाएंगे जो आपको एकदम भरपूर मजा देने वाले हैं। और ये ग्रुप के पास कोई चारा नहीं, और शहर में से निकलने के लिए इन लोग के पास सिर्फ एक हेलीकॉप्टर है, और वो हेलीकॉप्टर तक इन लोग को पहुंचना है किसी भी तरीके से। ये मूवी आपको अमेज़न प्राइम पे देखने के लिए मिल जाएगी डुअल लैंग्वेज। तो ये थी मेरी 7 डेडली ब्रूटल ज़ॉम्बी मूवी जिनको आपकी वॉच लिस्ट में होना बहुत ज्यादा जरूरी। अगर आपको ये सब मूवीज में से कोई एक भी मूवी पसंद आएगी तो इस चैनल को लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।